अर्की में शहीद कैप्टन विजयंत थापर चौक पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती मनाई। अर्की मुख्यालय स्थित शहीद कैप्टन विजयंत थापर चौक पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर तहसीलदार अर्की विपिन वर्मा, नायब तहसीलदार डीपी शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता, सचिव अभिनव शर्मा, पूर्व सैनिक लीग के सदस्य, SCVT राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की की अध्यापिकाएं और छात्राएं, शहीद कैप्टन विजयंत थापर के मामा कुलराज किशोर भारद्वाज और मामी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी ने शहीद कैप्टन विजयंत थापर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर तहसीलदार विपिन वर्मा ने कहा कि शहीदों के सम्मान में 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि इन्हीं वीर जवानों की मुस्तैदी के कारण देश का प्रत्येक नागरिक चैन की नींद सो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि शहीद कैप्टन विजयंत थापर चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और एक खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा। ये 3 मई 1999 की बात है, जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले मेरी 18 ग्रेनेडियर 18 ग्रेनेडियर जो है ये श्रीनगर में डिप्लॉय थी। तो जैसे ही हमारे को हुक्म मिला कि आप कारगिल में जाएंगे, कोई किसी को ये पता नहीं था भाई युद्ध होना है या क्या होना है। तो उस तरीके से वहाँ पहुँचे तो 2 तारीख को हमारी यूनिट को 18 ग्रेनेडियर को पता ये हुक्म मिला कि आप टाइगर हिल के ऊपर या जो तोरोलिंग हमारा जो सबसे पहले जो घाटी थी उसके ऊपर अटैक करना है और वहाँ छुटमुट कोई नॉर्मल मिलिटेंट होंगे जिसके कोई किसी को ये पता नहीं था भाई कितने वहाँ पर है कितने नहीं है। तो करते करते मतलब मैं संक्षिप्त में बताऊँगा कि हमारा 28 दिन तक ये इस तोरोलिंग को फतेह करने के लिए लगे 18 ग्रेनेडियर के। तो जब ये हमारा लास्ट अटैक सक्सेस नहीं हुआ तो फिर 2 राजपूतान राइफल को ये आदेश दिया गया कि दोनों मिल करके ये इस युद्ध को लड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे आज कैप्टन विजयंत थापर चौक पर अर्की में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से आज शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध 1999 का दिन आज हम लोग याद करते हैं और वो दिन आज भी हम लोगों को याद है कि जब हमारे वीर सैनिकों ने, वीर योद्धाओं ने, वीर सपूतों ने भारत माता की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सीने पर गोली खाई, सिर पर गोली खाई और जो इस देश के दुश्मन थे उन दुश्मनों को उनकी सीमाओं में वापस खदेड़ा और जहां पर हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपनी शहादत को भारत माता के नाम लिख दिया। हम नमन करते हैं ऐसे शहीदों को और इस देश में रहने वाले जितने सैनिक हैं, जितने फौजी हैं, चाहे वो जूनियर से हैं, चाहे वो कैप्टन से हैं, चाहे वो इस भारतीय सेना का जो भी हिस्सा है, हम उनको नमन करना चाहते हैं कि